तो वेल गाइज, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब एक आर्टिस्ट परफेक्शनिज्म को अपना विजन बनाकर चलता है तो क्या ये उसके लिए सही स्टेप है, या फिर इस परफेक्शनिज्म की वजह से ही एक्चुअली में उसके करियर ग्रोथ में बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, शायद इसकी वजह से ही उसका करियर ग्रो नहीं कर पा रहा है। बात है आज से 3 साल पहले की, लॉकडाउन के आसपास की। एक बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट जिनको ऑलमोस्ट कम्युनिटी में सारे लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छे रैपर है, काफ़ी अच्छा वो काम करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने एक दिन मुझे व्हाट्सएप पे एक बीट भेजी जिस पे कि उन्होंने अपना एक वर्स लिखा हुआ था। ये बीट थी एनाबॉलिक की बीट, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल थी और बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल थी। उन्होंने इस बीट को परचेज़ किया, इसके ऊपर एक वर्स लिखा और काफ़ी टाइम तक उसे पॉलिश करते रहे। मैंने उनको अपने कुछ फीडबैक्स दिए, बट कुछ टाइम के बाद मैंने उनसे पूछा कि उस गाने का क्या हुआ, तो 3 महीने जाने के बाद भी उन्होंने वो गाना कंप्लीट नहीं किया था। वो अभी भी अपने लिरिक्स को पॉलिश कर रहे थे, अपने लिरिक्स को रीराइट कर रहे थे, अपने मिक्स को, अपनी डबिंग को और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे थे। 6 महीने के बाद भी वही स्टेटस था, 8 महीने के बाद भी वही स्टेटस था। फिर अचानक एक दिन एक गाना ड्रॉप होता है और वो गाना आते ही, ड्रॉप होते ही बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरसीज़ मार्केट में भी उस गाने को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ये गाना जो था वो किसी और आर्टिस्ट ने सेम बीट पे बनाया था। यस गाइस, सेम बीट जिस पे मेरा फ्रेंड जो था, जो एक आर्टिस्ट थे, वो भी काम कर रहे थे, बट पिछले 8-9 महीने से वो उस बीट के साथ स्ट्रक थे, उस सॉन्ग के साथ स्ट्रक थे और उसको पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे, लिरिकली, डबिंग वाइज, मास्टरिंग वाइज, मिक्सिंग वाइज, बट उन्होंने वो गाना ड्रॉप नहीं किया था। बट उसके 8 महीने के बाद एक फ्रेश आर्टिस्ट, एक यंग आर्टिस्ट सेम बीट के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन गाना बनाते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं और वो गाना आते ही वायरल हो जाता है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट वी रोलिंग बाय शुभ, जो कि बना था एनाबॉलिक बीट पे। 1400 रुपये की वो बीट थी। अगर आप यूट्यूब पर जाकर उस बीट को फाइंड आउट करेंगे तो बीट आपको मिल जाएगी और उस बीट के जो प्राइस था वो रखा गया था 1400 रुपीज़, जो इंडियन करेंसी में जो उसका प्राइस था वो 1400 रुपीज़ के आसपास था। जब ये चीज़ मुझे पता चली तो मैं वापस अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने उससे पूछा कि अब आप इस गाने के साथ क्या करने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस गाने को ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी गाना सब लोगों तक पहुँच चुका है, लोगों को ऑलरेडी गाना बहुत पसंद आ रहा है और अगर मैं अपने वर्जन को अब ड्रॉप भी करता हूँ तो लोगों को ये शायद एक कवर वर्जन लगेगा, एक नया वर्जन लगेगा, बट कोई भी शायद मेरे सॉन्ग को उस तरह का अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, मेरे सॉन्ग को उस तरह से प्यार नहीं दे पाएगा। तो गाइस, इस आर्टिस्ट ने अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 8 महीने एक सॉन्ग को परफेक्ट करने में वेस्ट कर दिए। मुझे पता है कि उनका माइंडसेट उस टाइम क्या था, वो पॉलिश करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सॉन्ग बनाना चाहते थे, बट कभी कभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्पॉटिफाई आज की डेट में हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा गाने लाइव कर रहा है, 1 लाख से ज़्यादा गाने हर रोज़ स्पॉटिफाई पर लाइव हो रहे हैं। आपको अपनी क्वांटिटी गेम, क्वालिटी गेम बहुत ही केयरफुली स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी। इस आर्टिस्ट ने एक गाने पे 8 महीने लगाए और उसके बाद उस गाने को ड्रॉप नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाना बन गया था। क्यों? क्योंकि शायद वो परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फंस चुके थे। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ, मेरे साथ, कि हम एक गाने पे 2, 3, 4, 5, 6, 8 महीने, कभी कभी साल भी लगा लेते हैं, बट हम उसको कभी परफेक्ट नहीं कर पाते। एज ह्यूमन हम सारे ही लोग इम्परफेक्ट है, हमारी सोच इम्परफेक्ट है, हमारी बॉडीज़ इम्परफेक्ट है, हम जिस तरह से काम करते हैं वो इम्परफेक्ट है। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट होना बहुत ही रेयर सिचुएशन है, तो एक्सेप्ट करो इसको। और जब आपको लगता है, अपना एक टाइम फ्रेम सेट कर लो कि यार अगले 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जो मैं बेस्ट अचीव कर पाऊंगा इस सॉन्ग के साथ या इस प्रोडक्ट के साथ, इस ईपी के साथ, इस सिंगल के साथ, इस एल्बम के साथ, तो मैं करने की कोशिश करूंगा, बट एक कट ऑफ पीरियड सेट कर लो और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दो। क्योंकि साउंड्स पुरानी हो जाती है, आपके एनालिटिक्स पुराने हो जाते हैं, ट्रेंड्स पुराने हो जाते हैं, एल्गोस पुराने हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हॉट रखने के लिए आपको टाइमली सॉन्ग को डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ोगे तो आप 8 महीने बर्बाद कर दोगे। बेहतरीन सिचुएशन ये होती, परफेक्ट सिचुएशन ये होती कि वो आर्टिस्ट इस गाने पे 2 या 3 महीने लगाता और अगले 8-9 महीने में वो 3 गाने बनाता, एक एक करके 3 गाने को ड्रॉप करते, शायद उनको भी सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। पैरेलली उनके गाने क्योंकि बार बार आ रहे हैं तो उसकी वजह से उनके एल्बो भी हिट होते, उनके एल्बो और गर्म होते और उनके सॉन्ग्स ज़्यादा वायरल होने के प्रॉबिबिलिटीज़ रख पाते। तो जिस गाइस, इस चीज़ को अपने दिमाग में कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या आप भी यही मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने किसी एक सॉन्ग को परफेक्ट करने के चक्कर
में अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एनर्जी रिसोर्सेज उस सॉन्ग को तो नहीं दे रहे, जबकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप पहले लिए सॉन्ग को टाइमली फिनिश करके बाकी सॉन्ग्स, बाकी न्यू साउंड्स, न्यू कोलैबोरेशंस, न्यू आइडियाज़ इन पे काम करो। आप क्रिएटिव हो यार, आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ होंगे, आप उनके साथ काम करो और ड्रॉप करने की कोशिश करें कि न्यू टू न्यू सॉन्ग्स आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, नए आइडियाज़ के साथ आप कैसे खेल सकते हैं। और आई एम श्योर कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठंडे दिमाग से सोचिएगा इस प्रोसेस के बारे में। जो मेरे दोस्त के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो आर्टिस्ट के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट कहीं ना कहीं उसने अपना लेसन लर्न कर लिया है। उस टाइम वो शायद डिप्रेशन में जाने वाला था, क्योंकि उसने ये कहा था कि शायद इसके बाद मैं म्यूज़िक नहीं बनाना चाहूँगा, बट उसको मैंने समझाया है तो वो अब इस तरह की चीज़ों से बाहर आ रहा है। और वो भी यही कोशिश कर रहा है कि हर एक प्रोडक्ट को एक टाइम देना ज़रूरी होता है, 2 से 3 महीने इज़ मोर देन सफिशियंट। उसके ऊपर काम करके आप उसे पॉलिश करके परफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रस्ट मी वन थिंग, परफेक्शनिज्म के ट्रैप से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इस वीडियो को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।